फ्रेंड्स, क्या आप भी एक अपने लिए ऐसा घर ढूंढ रहे हैं जहाँ पे कंफर्ट, लग्जरी एंड पीस एक साथ मिले? अगर हाँ, तो देन दिस प्रोजेक्ट इज़ एन अमेजिंग ऑप्शन फॉर यू। जी हाँ, आज मैं आई हूँ बेस्टेक पार्क व्यू अल्टुरा, गुरुग्राम, सेक्टर 79। जी हाँ, तो ये अमेजिंग सा प्रोजेक्ट लोकेटेड है सेक्टर 79 गुरुग्राम में, एंड ये कम्प्लीटली गेटेड सोसाइटी है। अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूँ तो गाइस, ये गेटेड सोसाइटी रहने वाली है। यहाँ पे बूम बैरिकेड्स, सीसीटीवीज एंड 24/7 गार्ड्स रहने वाले हैं। एंड साथ ही साथ गाइस, यहाँ पे आपकी पार्किंग का ध्यान रखा गया है, बेसमेंट पार्किंग आपको प्रोवाइडेड है। अगर मैं इस प्रोजेक्ट एरिया की बात करूँ तो ये टोटल 11 एकर्स में प्रोजेक्ट बनाया गया है, जहाँ पे 7 टावर्स एंड 530 यूनिट्स आपको प्रोवाइड की गई है। यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे 3 BHK, 3+1 BHK एंड 4+1 BHK। तो गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एमिनिटीज़ की बात करूँ तो यहाँ पे आपको क्लब हाउस मिल जाएगा। क्लब हाउस में वो सारी फैसिलिटीज़ जो आपकी अमेजिंग लाइफस्टाइल के लिए आपको चाहिए वो यहाँ पे मिल जाएगी। फिर चाहे वो स्पोर्ट्स हो, या फिर आप स्विमिंग पूल की बात करें, या फिर जिम की बात करें, पार्क्स यहाँ पे बहुत सारे मिलने वाले हैं। इफ़ यू आर यू नो नेचर लवर, तो यहाँ पे बहुत अमेजिंग थीम बेस्ड पार्क्स है, बहुत ही खूबसूरत पार्क्स हैं। यहाँ पे फाउंटेन वर्क आपको जगह जगह पर देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ वन अमेजिंग प्लेस, वन अमेजिंग प्रोजेक्ट। तो चलिए चल के चेकआउट करते हैं। फ्रेंड्स, एंटर कर रहे हैं हमारे फ्लैट की तरफ। तो सबसे पहले, फ्लैट एंटर करने से पहले आपको ये लॉबी दिखाना चाहूँगी। तो यहाँ पर आपको दो पैसेंजर लिफ्ट्स मिल जाएंगी, एक सर्विस लिफ्ट मिल जाएगी। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से इसको डेकोरेट किया गया है। साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ रहने वाला है 2150 स्क्वायर फीट्स, एंड साथ ही साथ आपको वुडन डोर प्रोवाइड होगा विद अ नॉर्मल लॉक इन की सिस्टम। तो चलिए अंदर रहेंगे। ये रहने वाला है आपका 3+1 BHK, एंड यहाँ पर आपका आ जाता है सबसे पहले सर्वेंट रूम एंटर करते ही। सो लेट्स हैव अ लुक एट द सर्वेंट रूम। आप देख सकते हैं काफ़ी डिसेंट स्पेस है, आपका अटैच वॉशरूम है, एंड ये जो आपके अटैच बैल्कनी है ये आपकी किचन के साथ भी अटैच रहेगी। चलिए आगे चलते हैं, एंड लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर लिविंग स्पेस। जाने से पहले एक नज़र हम डालेंगे इसकी तरफ। बहुत ही सुंदर डेकोर इन्होंने यहाँ पे लगाया है, आप इसे क्वाइट स्पेस में आराम से यूटिलाइज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे लिविंग स्पेस की तरफ। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। मैं इसकी लिविंग स्पेस नहीं, एक आर्ट कहूँगी। जस्ट लुक एट इट, द पेंटिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल। शैंडेलियर बहुत खूबसूरत लग रहा है, एंड जस्ट लुक एट दिस। बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से वो अपना काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही कम स्पेस ले रही है ये चीज़, बट यू कैन कीप ऑल द थिंग्स ऑफ यूटिलाइजेशन हियर। दिस इज़ अ वेरी अमेजिंग आइडिया, एंड प्लस इट वर्क्स एज अ डेकोर एज वेल। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गोल्ड कलर का अगेन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, जो एक रॉयल्टी को दर्शाता है। एंड जस्ट लुक एट द स्टैचू हियर, इसको गोल्ड एंड ब्लैक में बनाया गया है। एंड आप जानते हैं कि ये जो एनिमल है ये अगेन लग्जरी एंड रॉयल्टी को दर्शाता है। एंड यहाँ आ जाती है आपकी छोटी सी बालकनी विच विल बी अटैच्ड टू योर लिविंग स्पेस। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से इसे डेकोरेट किया है, ग्रीन प्लांट्स लगाए गए हैं विच अगेन क्रिएट्स अ वेरी ब्यूटिफुल एम्बियंस एंड अ टेबल एंड अ चेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ आ जाता है LED पैनल जो उन्होंने लगाया है, अगेन बहुत सुंदर है। बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे रख सकते हैं, चाहे डेकोर की, चाहे यूटिलाइजेशन की, इट्स टोटली अप टू यू, एंड यू हैव लॉट्स ऑफ
स्टोरेज स्पेस, आप कुछ ऐसे आइडियाज ही यहाँ से ग्रैब कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप एसी देख सकते हैं, आपको एसी एज इट इज़ मिलने वाला है, फॉल सीलिंग एज इट इज़ मिलने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं हमारी डाइनिंग स्पेस की तरफ। इन्होंने यहाँ पे राउंड टेबल में 4 सीटर की डाइनिंग लगाई है, आप आराम से इसको 6 सीटर तक की डाइनिंग बना सकते हैं। एंड शैंडेलियर पे नज़र डालेंगे तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही ग्लास वर्क किया गया है। यहाँ पे जो गोल्डन लाइट्स है, इट इज़ गिविंग इट अ ब्यूटीफुल लुक। आर्ट वर्क यहाँ पे तैयार किया गया है टू गिव इट अ वेरी आर्ट, थोड़ी क्राफ्टी लुक दी गई है। एंड यहाँ पर आ जाता है हमारा किचन। अब आप किचन का थीम देखेंगे, बहुत ही सुंदर थीम है, एक इटालियन स्टाइल में बनाया गया है। आप देख सकते हैं येलो एंड ब्राउन कलर का बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन है। स्प्रिंकलर्स अगेन बहुत ही अलग तरीके से लगाए गए हैं। क्लॉक यहाँ पे तैयार की गई है, ग्लासेस यहाँ पे रखे गए हैं टू मेक इट लुक ब्यूटीफुल। साथ में यहाँ पे जैमी कुक्स इटली की लिखा है यहाँ पे, तो यू नो दिस इज़ अ वेरी इटालियन थीम ऑल इन ऑल। एंड कम्प्लीटली मॉड्यूलर किचन है और सॉफ्ट हाइड्रोलिक क्लोजर है। जस्ट लुक एट इट, यहाँ पर आपको मिल रहा है सिंगल सिंक विद रोटेटिंग फॉसेट अंडरस्टैंड। एंड यहाँ पर आ जाती है आपकी बालकनी जो कि अटैच रहेगी आपके सर्वेंट रूम से। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर फर्स्ट बेडरूम, कम ऑन। ओके, सो किस यहाँ आ जाता है आपका फर्स्ट बेडरूम। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं वुडन फ्लोरिंग कम्प्लीटली आपको प्रोवाइड की जा रही है, एसी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। स्पेस आप देख सकते हैं काफ़ी डिसेंट स्पेस है, क्वीन साइज बेड यहाँ पे लगा है। एंड वार्डरोब्स आप अगर स्लाइडिंग बनाएंगे सो दैट इज़ गोइंग टू सेव यू अ लॉट ऑफ स्पेस। अगर आप ओपन आलमीराज बनाते हैं दैट टेक्स अ लॉट ऑफ स्पेस, बट स्लाइडिंग आलमीराज से आप इजीली अपनी आलमीराज खोल सकते हैं। एंड यूजुअली आलमीराज में बड़ा अंधेरा सा रहता है, कपड़े देखने में प्रॉब्लम होती है, तो लाइट का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो आजकल आलमीराज में लगा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टूवर्ड्स अ ऑन स्वीट वॉशरूम। सो यहाँ आ जाता है हमारा ऑन स्वीट वॉशरूम। एंड हर वॉशरूम का थीम अलग होता है, तो आप देख सकते हैं ग्रे कलर का यहाँ पे टाइल वर्क किया गया है, फुल लेंथ वॉल टाइल्स है, एंटीस्किड टाइल्स है, पूरी ब्रांडेड फिटिंग्स आपको दी जा रही हैं। जी हाँ, आपको अमेरिकन स्टैंडर्ड की पूरी ब्रांडेड फिटिंग्स दी जा रही है, इट्स अमेजिंग। वेंटिलेशन के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक विंडो प्रोवाइड की जा रही है। एंड यहाँ पर आप चाहो तो एक छोटा सा शावर इंक्लोजर लगा सकते हो टू मेक इट लुक मोर प्राइवेट, इट्स ब्यूटीफुल हियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट बेडरूम की तरफ, कम ऑन। उससे पहले एक नज़र स्पेस की तरफ, इट्स ब्यूटीफुल। ये यूटिलिटी एरिया है, आप चाहो तो यहाँ पे पूजा घर बना सकते हो या फिर इस तरीके से, इस खूबसूरत तरीके से डेकोरेट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ आ जाता है हमारा कॉमन वॉशरूम। एंड आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने डेकोरेट किया है, अगेन इन्होंने यहाँ पे वुडन लुक दिया है, बट इट्स एक्चुअली अ टाइल वर्क, एंटीस्केट टाइल्स है यहाँ पे, फुल लेंथ वॉल टाइल्स है। आप देख सकते हैं रोशनी कितनी ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत ही लाइटिंग की कोई दिक्कत नहीं होने वाली, वेंटिलेशन के लिए विंडो प्रोवाइडेड है। एंड आपको ऐसी ही फिटिंग्स मिलने वाली है, दीज आर ऑल ब्रांडेड फिटिंग्स एज आई टोल्ड यू बिफोर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर बेडरूम। एंड दिस कैन बी अ किड्स बेडरूम, आप देख सकते हैं थीम बहुत अच्छा है यहाँ पे। सो यहाँ पे छोटी सी प्यारी सी लिटिल प्रिंसेस अगर आपके पास है तो कुछ ऐसा ही थीम से आप उसका रूम डेकोरेट कर सकते हो, विद दिस डॉल्स, विद दिस कलर्स, विद द पिंक कलर। एंड यूजुअली यू नो गर्ल्स को पिंक कलर कितना पसंद होता है, इंक्लूडिंग मी। सो हियर दिस इज़ बहुत ही प्यारा सॉफ्ट कुशन उन्होंने लगाया है, दिस इज़ अगेन अ ब्यूटिफुल आइडिया एंड आई लव द कलर। आप देख सकते हैं कि इन्होंने ये जो हैंगिंग लाइट्स लगाई है वो भी बटरफ्लाई थीम की लगाई है, दिस अगेन एड्स टू द एम्बियंस ऑफ द रूम। आप यहाँ देख सकते हैं हर चीज़ पिंक की है ताकि यू नो एक गर्ली वाइब क्रिएट हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आ जाती है हमारी बालकनी, लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो गाइस, ये जो बालकनी अटैच रहेगी आपके किड्स बेडरूम एंड आपके मास्टर बेडरूम से, तो अपने बच्चों पर नज़र रख सकते हैं। ओके, आई एम जस्ट किडिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बालकनी उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेट की है, आई लव दिस सेटिंग। मतलब यू नो देखिए अभी मम्मी पापा एंड द टू किड्स हियर, दिस इज एन अमेजिंग कॉन्सेप्ट, बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेट किया है। यू कैन एंजॉय द व्यू हियर, आप देख सकते हो यहाँ पे सामने ही आपका एम्फी थिएटर बना है एंड साथ में यहाँ पे फाउंटेन बना है विच इज़ इन अ लोटस डिज़ाइन। अगेन यहाँ पर आपके ओपन जिम का व्यू आ जाता है, इट्स अ ब्यूटिफुल व्यू, बच्चों का प्लेयर का व्यू आता है तो आप बच्चों को यहाँ खेलते हुए देख सकते हैं, इट्स अगेन गोइंग टू एड पॉजिटिविटी टू योर लाइफ। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट बेडरूम। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं इस घर के मास्टरपीस की तरफ।
Yes, I'm talking about the master bedroom and just look at the space. Wow, इसे कहते हैं स्पेस, मतलब किंग साइज बेड लगा है, उसके बाद भी बहुत ही ज़्यादा मूवेबल स्पेस है। अगर मैं यहाँ के कलर्स की बात करूँ तो बहुत ही डिसेंट कलर्स यूज़ किए गए हैं, जैसे कि बेज, वाइट, ग्रे, इट्स अ वेरी डिसेंट कलर। आप पैनल भी देखेंगे तो बहुत ही कॉर्पोरेट लुक में ये पैनल तैयार किया गया है। इट्स अगेन वेरी ब्यूटिफुल एंड जस्ट लुक एट दिस, दिस इज़ एन अमेजिंग आइडिया, अमेजिंग इन इट सेल्फ। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं आ जाता है, सो टेबल चेयर इन्होंने लगाया है एंड आई लव दिस आइडिया। द कलर कॉम्बिनेशन इज़ अमेजिंग एंड बहुत ही सॉफ्ट है ये। एंड यहाँ पर आ जाता है आपका ऑन स्वीट वॉशरूम, कम ऑन। तो गाइज यहाँ आ गए हम हमारे वॉशरूम की तरफ एंड ब्यूटिफुल एज इट इज़, ग्रे एंड ब्लैकिश ग्रे का थीम है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। एंड इसके टाइल्स हैं नीचे, फुल लेंथ वॉल टाइल्स है, वेंटिलेशन के लिए विंडो है एंड साथ ही साथ आपको प्रोवाइड किए जा रही है एज इट इज़ फिटिंग्स, जैसे कि आप बाथरूम की देख रहे हैं, ब्रांडेड फिटिंग्स होने वाली है कम्प्लीटली। एंड एक बहुत ही अच्छा आइडिया, अगर आप चाहते हैं आपका मास्टर बेडरूम थोड़ा बड़ा लगे तो आप वॉशरूम में स्पेस यूटिलाइज कर सकते हैं, एंड यहाँ पर अपनी कबर्ड या अलमीरा बना सकते हैं एंड वो आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखा आपने हमारा बेस्ट एक पार्क व्यू अल्टियूरा का सैम्पल फ्लैट, आई एम श्योर आपको अच्छा लगा होगा। कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक द वीडियो, ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल लाइफ साइट विजिट। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त सोनम, मिलते हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय आवर अदर वीडियोज़।